हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे एक मलयालम मूवी जो कि अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई है। मैंने इस मूवी को दो रीजन से देखा। पहला रीजन तो ये कि भाई पृथ्वीराज सुकुमारन मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी मूवीज कुछ हटके अलग होती है। और दूसरा रीजन ये है कि अमेजॉन प्राइम वीडियोज का सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। देखो यार, आपने 2010 में रिलीज हुई द पियानो ट्यूनर मूवी जो कि एक फ्रेंच शॉर्ट मूवी थी, उसको नहीं देखा था? ऑब्वियसली मैंने भी नहीं देखा था, मुझे भी घंटा नहीं मालूम था। लेकिन जब 2018 में अंधाधुन मूवी रिलीज हुई तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये मूवी एक ओरिजिनल मूवी नहीं है। यानी कि अंधाधुन भी ओरिजिनल ही थी, वो एक कह सकते हो काइंड ऑफ रीमेक थी, या कह सकते हो एक शॉर्ट मूवी का एक फुल फ्लेज बड़ी, जिसमें इंडियन तड़का मसाला डालकर आपके सामने पेश किया। तो इसीलिए ओरिजिनल हमेशा द पियानो टूनर ही रहेगा। लेकिन खैर, अंधाधुन मूवी ऑडियंस को बहुत अच्छी लगी थी और सिर्फ 32 करोड़ की मूवी 456 करोड़ की कमाई की थी। और इतना ही नहीं, श्रीराम राघवन की वो अब तक की वन ऑफ दी बेस्ट मूवीज में से है कि जो उन्होंने बनाई है। और 2018 के बाद अंधाधुन लेवल की मूवी बॉलीवुड ने प्रेजेंट ही नहीं किया। तो ये चीज देखकर साउथ इंडस्ट्री सोची कि यार चलो, बॉलीवुड वाले हमारी बहुत सारी मूवीज का रीमेक बनाते, चलो इस मूवी का रीमेक हम लोग भी बना ले, क्योंकि पैसे हर किसी को अच्छे लगते हैं। और जब किसी स्क्रिप्ट को ऑडियंस ने इतना पसंद किया है तो क्यों ना उसी स्क्रिप्ट को लेकर फिर से एक वही सेम मूवी बना दे अपनी ऑडियंस के लिए। क्योंकि आज भी इंडिया में ऑडियंस बटी हुई है, यानी कि जो हिंदी ऑडियंस है वो हिंदी मूवीज ही देखना प्रीफर करती है, और जो साउथ ऑडियंस है वो साउथ की मूवीज ही देखना प्रीफर करती है। हालांकि कुछ ऐसी ऑडियंस है जैसे मेरी ऐसी, जो साउथ की मूवीज उनकी ही लैंग्वेज में देखती है विद सबटाइटल्स, लेकिन आज भी जो फैमिली ऑडियंस है वो उनकी ही लैंग्वेज में मूवी देखती है। तो ये एक फायदा हो जाता है हिंदी और साउथ इंडस्ट्री वालों को आपस की मूवीज को रिमेक करने का। और शायद इसी वजह से ब्रह्मम मूवी के जो डायरेक्टर है रवि वी चंद्रन, जो कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी रह चुके बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर मूवी का रीमेक करने का सोचा। हालांकि क्यों सोचा मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मलयालम इंडस्ट्री एट प्रेजेंट बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। पिछले साल और ये साल में उनकी इतनी अच्छी अच्छी मूवीज बनाई है, नाम गिनाते बैठूंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। पृथ्वीराज सुकुमारन की जो लास्ट मूवी थी कृति, वो इतनी यूनिक थी, क्या परफॉर्मेंस था, और जो जो चीजें उसमें थी ना, बस वो आप किसी मलयालम मूवी में ही विटनेस कर सकते हो। लेकिन जब इस पर्टिकुलर मूवी को ब्रह्मम को देखते हो तो हमको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होती है कि मतलब क्या जरूरत थी चूतिया, क्या जरूरत थी ये सारी चीजें करने की। खैर, मूवी की कहानी सिंपल सी ये है कि रे मैथ्यूस यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन एक पियोनिस्ट है, और इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही जो आप लोग इस मूवी में देख लोगे। खैर, कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब एक एक्स हीरो का हो जाता है मर्डर। अब वो मर्डर कौन करता है, कैसे करता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। खैर देखो, मूवी एग्जैक्ट सेम है। आप एक खरगोश की जगह पे एक जंगली सुअर को लेके आ जाओगे तो मूवी डिफरेंट नहीं होती है। मूवी काफी ज्यादा एंगेजिंग है, आपको बहुत ज्यादा एंगेज रखेंगी, एज ऑफ द सीट रखेगी, और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो आपका इंटरेस्ट बनाए रखेंगे। मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, और अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो यहाँ पर कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। उनकी जो एक डार्क साइड है, उनकी जो ग्रीडीनेस है, और बदल सिनेरियो में जो उनके अंदर बदलाव होता है वो चीज आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा, और वो चीज आपको इस मूवी में एंड तक बांधी भी रखती है। उसके अलावा मूवी का बीजीएम मुझे ओके लगा, मतलब जो इम्पैक्ट वो फर्स्ट मूवी अंधाधुन ने डाला था वो इम्पैक्ट यहाँ पर के बीजीएम ने ही डाला। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई पृथ्वीराज सुकुमारन वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक है मलयालम इंडस्ट्री के। लेकिन इस बार वो आयुष्मान खुराना के लेवल का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने अंधाधुन मूवी देखी तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं किया। लेकिन उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की है। लेकिन यहाँ पर जो इंसान शॉक करता है वो है ममता मोहनदास, जिसने यहाँ पर तब्बू, जिसने ओरिजिनल मूवी में रोल किया था, उसके कैरेक्टर को यहाँ पर प्ले किया। और यकीन मानो, ममता मोहनदास ने अपने इस रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया, और कहीं से भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इतना मैच्योर रोल प्ले कर सकते, क्योंकि तब्बू एक बहुत ही एक्सपीरियंस आर्टिस्ट है। उसने जब उस पर्टिकुलर रोल को प्ले किया तो लग रहा था कि हाँ, काफी बिलीवेबल लग रहा था। लेकिन ममता को स्टार्टिंग में देखो तो ऐसा लगता है कि यार ये उसको पुल नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस होती है ममता के अंदर का जो एक एक्टर है वो बाहर निकलता है, और कमाल का परफॉर्मेंस किया है। और परफॉर्मेंस मामले में देखा है तो यार सभी एक्टर्स ने यहाँ पर मुझे निराश नहीं किया। मेरे हिसाब से ब्रह्मम बस उन लोगों को ही देखना चाहिए जो पृथ्वीराज सुकुमारन के बहुत बड़े फैन है, और दूसरे उन लोगों ने अंधाधुन मूवी नहीं देखी तो वो लोग ब्रह्मम मूवी को देखे। और ब्रह्मम मूवी को देखने के बाद अगर आप लोग ब्रह्मम को मास्टरपीस बोलोगे तो फिर आप लोग को अंधाधुन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 6 out of 10, और पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा, मूवी में किसिंग सीन है तो आप लोग उसको ध्यान में रखना, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। किसिंग सीन बोलते ऐसा नहीं कि हर दूसरे सीन में किसिंग सीन है, ऐसा नहीं है, बट किसिंग सीन है तो
तो जो मलयालम जो फैमिली ऑडियंस है वो लोग देखेगी, तो थोड़ा ध्यान रखना, फास्ट फॉरवर्ड कर देना। उसके अलावा बस वो थोड़ा बहुत वॉयलेंस है, और बाकी आप लोग कॉमेडी इंजॉय करोगे, कॉमेडी बहुत अच्छी है, मजा आती है, हंसी भी आती है। फिर बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये बोरिंग सा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल का एम सिर्फ इतना है कि देखो, पैसा तो मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो वो सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा, जो कि मैं अपने घर की दीवार पर लगाऊंगा, जो कि मुझे पर्सनली सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ भाई, यूट्यूब पे आके मैंने कुछ उखाड़ा है। बस उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन, जाओ जो करना करो यार।